मॉर्निंग किड्स, वेलकम बैक टू द इकोनॉमिक्स क्लासेस। टुडे वी विल स्टडी द इंडियन इकॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आज हम लोग समझेंगे कि इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी इंडिपेंडेंस के समय पे। नाउ कॉलोनियल इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे हाउ वाज द कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन ऑफ द इंडियन इकॉनॉमी इंडियन इकॉनॉमी कालोनियल एक्सप्लोइटेशन कैसे हुआ इंडियन इकॉनॉमी के फीचर्स क्या क्या थे इन एग्रीकल्चरल सेक्टर की क्या कंडीशन थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या कंडीशन थी फॉरेन ट्रेड की क्या कंडीशन थी और डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या कंडीशन थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस तो बेसिकली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द इंडियन इकोनॉमी ऑन द डिफरेंट बेसिस सो शेल आई स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट इज कॉलोनियल एक्सप्लॉटेशन ऑफ द इंडियन इकॉनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल कॉलोनियल एक्सप्लॉटेशन कैसे हुआ इंडियन इकोनॉमी का ब्रिटिश रूल में तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ़ एग्रीकल्चरल सेक्टर एग्रीकल्चरल सेक्टर के बेसिस पे दे इंट्रोड्यूस द जमींदारी सिस्टम जिसमें कि लैंड रेवेन्यू वाज़ कलेक्टेड लैंड रेवेन्यू कनेक्ट कलेक्ट हो रहा था जिससे कि पुअर फार्मर्स जो थे उनको बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी जमींदार डिक्लेयर किए गए एज द ओनर ऑफ द सॉइल एंड दे वर टू पे अ फिक्स सम उनको एक फिक्स्ड सम गवर्नमेंट को पे करना होता था तो उसको एंड देवर कलेक्टिंग द लैंड ए सॉरी देवर कलेक्टिंग द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स वो गरीब जो किसान थे जो छोटे किसान थे उन लोगों से एक फिक्सड अमाउंट कलेक्ट करते थे अब चाहे क्रॉप उतनी कल्टिवेट होती आप लोगों ने लगान मूवी में देखा होगा है ना चाहे क्रॉप हुई है या नहीं हुई है बट उन लोगों ने जो जमींदार्ज ने जो एक फिक्स अमाउंट जो क्रॉप का है फिक्स अमाउंट जो फिक्स कर दिया उसको उनको लेना ही लेना है भले ही उनके पास इतना इनकम है हुई है या नहीं हुई है सो दैट वाज द प्रॉब्लम विच वाज विच पीपल वर फेसिंग पुअर फार्मर्स वर फेसिंग सो नाउ दिस सेकंड पॉइंट कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर अब इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी एक्सप्लोइटेशन हो रहा था हैंडीक्राफ्ट जितने भी हैं इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंजॉयड वर्ल्ड वाइड रेपटेशन फ्राम देयर वेराइटी एंड क्वालिटी बट दीज वर डिस्ट्रॉयड बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन टू टू वेज फॉरन डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट वॉज डिस बाई द बाई द वे ऑफ हैवी ड्यूटी ऑन द एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स उन्होंने क्या किया बच्चों की कि जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा था उस पर उन्होंने हाई ड्यूटीज़ लगा दी हाई एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ लगा दी लेकिन जो इम्पोर्ट हो रहा था वो ड्यूटी फ्री कर दिया इट मीन्स हमारे जो गुड्स है उनकी ओवरऑल मार्केट में जो वैल्यू है वो बढ़ गई और हमारे यहाँ पे जो सामान आ रहा है इम्पोर्ट हो रहा है उसकी वैल्यू उन्होंने कम कर दी इट मीन्स दूसरे सामान मीन्स uh, की मीन्स कि हैंडीक्राफ्ट्स की डिमांड हमारी कंट्री के अंदर ही कम हो गई और ब्रिटिश गुड्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई सो इन दिस मैनर दे हैव डिस्ट्रॉयड आर इंडस्ट्रियल सेक्टर थर्ड पॉइंट इज कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड पे उन्होंने क्या किया ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट कर दिया मीन्स जितने भी एक्सपोर्ट uh, है उसको ड्यूटी फ्री कर दिया और जितना भी इम्पोर्ट है उसको भी ड्यूटी फ्री कर दिया रॉ मटेरियल पे देखो हमारे यहाँ से जो सामान जा रहा है वो ड्यूटी फ्री हो गया इट मीन्स अब उनको ब्रिटेन में जो गुड्स हैं वो रॉ मटेरियल एज ए रॉ मटेरियल उनको सस्ता मिल रहा है लेकिन वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो आ, हमारे वापस से हमारे इंडियन मार्केट में ही सेल कर रहे हैं फिनिश गुड बना के फिर से समझो कि हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल सस्ते माल में ले जा रहे हैं सस्ते भाव में ले जा रहे हैं और हमारे यहाँ पर फिनिश गुड ला ज़्यादा अमाउंट में बेच रहे हैं तो इस तरीके से उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड की भी बहुत ही हालत खराब कर दी थी हमारी कंट्री में नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी कैसी थी इंडिपेंडेंस के समय परॉरी स्टैगनेंट इकॉनॉमी अब स्टैगनेंट इकॉनॉमी ना तो इसकी ज़्यादा ग्रोथ है स्टेगनेंट इकोनॉमी इज़ द वन विच शोज़ लिटिल और नो ग्रोथ इन इनकम जिसकी इनकम में ना तो ज़्यादा ग्रोथ है या फिर ग्रोथ है ही नहीं वो होती है स्टेग्नेट इकोनॉमी नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ बैकवर्ड इकोनॉमी हमारी जो इकोनॉमी थी उस वक्त बहुत बैकवर्ड थी इन 1947 और 48 पर कैपिटल इनकम इन इंडिया बहुत जस्ट टू हंड्रेड ही थी सो so, इस तरीके से हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो बहुत ही बैकवर्ड थी एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस तो हमारी इंडियन इकोनॉमी जो थी उसकी जो फीचर्स है वो उस समय एग्रीकल्चरल में भी बहुत ही बैकवर्ड थी नियरली सेवेंटी टू परसेंट ऑफ कंट्रीज़ वर्किंग पॉपुलेशन वॉज इंगेज इन द एग्रीकल्चर सेवेंटी टू परसेंट लोग एग्रीकल्चर में इंगेज थे लेकिन फिर भी वो फिफ्टी परसेंट जी ही कॉन्ट्रीब्यूट कर पा रहे थे फिफ्टी परसेंट तक ही कॉन्ट्रीब्यूट कर पा रहे थे तो इस तरीके से फूड ग्रेन प्रोडक्शन वॉज बैरली इनफ फॉर सब्सिस्टेंस फूड ग्रेन का प्रोडक्शन भी इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था तो uh, so, uh, बहुत मुश्किल से ही पूरी जो इकॉनमी uh, है या जो पूरी पॉपुलेशन है उनका सब्सिस्टेंस uh, भी हो पा रहा था देन इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस इंडस्ट्रीज भी बहुत बैकवर्ड थी स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज वॉल ऑलमोस्ट एट देयर रूइन मीन्स खत्म होने या नष्ट होने की कगार पे थे प्रोडक्शन ऑफ मशीन वॉज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल नेग्लिजिबल तो मशीन से प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा था तो इस तरीके की कंडीशन थी देन रैम्प्ड पॉवर्टी मतलब बहुत ज्यादा बल्क में पॉवर्टी थी लोगों को ना तो शेल्टर था ना क्लोथिंग था तो आप पूरी पूरी तरीके से समझ सकते हो कंडीशन कि हर तरीके से इंडियन इकोनॉमी की हालत बहुत खराब थी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ भी नहीं था रेलवे तो बहुत धीरे धीरे डेवलप कर रहा था देन ट्रांसपोर्टेशन जनरेशन ऑफ पावर एनर्जी एक्सट्रीमली लो ये सब बहुत ही लो थे नाउ हैवी डिपेंडेंस ऑन द इम्पोर्ट हमको ज़्यादातर हर एक चीज़ के लिए डिपेंडेंट होना पड़ रहा था इम्पोर्ट पे हम बेसिकली जितनी भी इवन नेसेसिटीज़ की जो चीज़ें थी डिफेंस दिफ, इक्विपमेंट है बिसाइड सेवरल कंज्यूमर गुड्स यहाँ तक कि सेवरल कंज्यूमर गुड्स भी हमको इम्पोर्ट करवाना पड़ रहा था लिमिटेड अर्बनाइजेशन अर्बनाइजेशन भी बहुत लिमिटेड था इन 1948 ओनली 14 परसेंट ऑफ पॉपुलेशन लिव इन द अर्बन एरियाज केवल चौदह प्रतिशत जो पॉपुलेशन थी वो अर्बन एरियाज़ में रह रहे थे बाकी सब रूरल एरियाज में 86 परसेंट आप सोचिए कि रूरल एरियाज में रह रहे थे देन सेमी फेडरल इकोनॉमी सेमी फेडरल इकोनॉमी में बच्चों ना तो हम लोग पूरी तरीके से कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी को फॉलो कर पा रहे थे ना ही पूरी तरीके से फेडरल थे तो इस तरीके से हम एक सेमी फेडरल इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमी की तरह से मूव ऑन कर रहे थे जिसने की आ, जो कि लो प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी को लीड कर रहा था जिससे कि बैकवर्डनेस और बढ़ रही थी दैन कॉलोनियल इकॉनॉमी हमारी जो इकॉनॉमी थी वो भी कॉलोनियल थी ब्रिटिश गवर्नमेंट कब डोमेस्टिक इंडस्ट्री डोमेस्टिक इंडस्ट्री से पूरी तरीके से कब्जा हो चुका था ब्रिटिश गवर्नमेंट का देन इंडियन इकानमी वाज यूज्ड टू बी अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल हमारी जो कंट्री थी वो एक रॉ मटेरियल का सोर्स बन चुका था उनके लिए वो हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे सस्ते दाम पर और हम ही को उससे वापस से फिनिश गुड बना के और हमारी कंट्री को ही और महंगे दाम पर दे रहे थे तो इस तरीके से कॉलोनियन इकॉनॉमी ने हमारे जो डॉ डौ, वो डोमिनेट कर रहे थे वो हमें तो ये सारे मेन पॉइंट्स हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसके पॉइंट्स बहुत अच्छे से लर्न कर लो और अपने ओन बिहाफ पे उसके इंटरलिया को एक्सप्लेन एक्सप्लेन करो देन थर्ड पॉइंट इज एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस अब हम समझेंगे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर का क्या कंडीशन था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस फर्स्ट पॉइंट इज लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी हमारा जो एग्रीकल्चर था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वो बहुत ही लो प्रोडक्शन था और प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम थी एज कम्पेयर टू द जितने हमारे वर्कर्स फार्मर्स एंगेज थे इंगेज थे प्रोडक्शन uh, में या फिर फार्मिंग एग्रीकल्चर में उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा था एज़ कंपेयर टू द टोटल आउटपुट टोटल आउटपुट उतना नहीं हो रहा था सो देर वॉज अ वेरी लो प्रोडक्शन इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर देन हाई डिग्री ऑफ अनसर्टिनिटी जो आउटपुट था वो पूरी तरीके से अनसर्टन था बिकॉज फार्मर्स हैज़ टू रिलाय ऑन द रेनफॉल उनको पूरी तरीके से रेनफॉल पर डिपेंडेंट था दे आर नॉट हैविंग द इरीगेशन फैसिलिटीज एंड इवन दे आर नॉट हैविंग द गुड मशीनरीज एफर्ट्स लाइक नो एफर्ट्स वॉज एवर मेड अंडर द ब्रिटिश रूल टू डेवलप द परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन एंड इवन दे आर नॉट इवन जस्ट मेकिंग एनी एफर्ट्स कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं दिया गया तो जो कंडीशंस थी और वर्स्ट होती जा रही थी देन डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग सबसिस्टेंस फार्मिंग मीन्स वेन अ क्रॉप इज ग्रोन फॉर टू फुलफिल देयर बेसिक नीड और फॉर देयर रिक्वायरमेंट फॉर देयर लाइवलीहुड दैट इज नोन एज सबसिस्टेंस फार्मिंग जब खुद के भरण पोषण के लिए खुद के खाने के लिए जब क्रॉप्स को ग्रो किया जा रहा था तो वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग में आ रहा था तो दे वर बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द सब्सिस्टेंस फार्मिंग दे वर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट सेलिंग द क्रॉप्स तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो लोग नहीं ग्रो कर रहे थे देन अगेन द प्रोडक्शन वॉज वेरी लो तो फिर प्रोडक्शन फिर से कम हो गया नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज गल्फ बिटवीन ओनर्स एंड ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड द टिलर ऑफ द सॉइल जो ओनर हैं और जो टिलर है मीन्स जो जमींदार हैं उनके बीच में और वो जो फार्मर पीजेंट है उनके बीच में जो गल्फ है खाई है वो बढ़ती जा रही थी देन नेक्स्ट पॉइंट इज स्मॉल एंड फ्रेगनामेंट तो जो होल्डिंग है इट मीन्स लैंड एरियाज है वो बहुत छोटे छोटे सेगमेंट्स में बढ़ता जा रहा था और होल्डिंग्स बहुत कम रह गई थी देन लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज आपको अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि वो जमींदारी सिस्टम पे बिलीव कर रहे थे और वो कहीं ना कहीं हमारे जो पीजेंट्स हैं उनको और एक्सप्लॉइड uh, कर रहे थे ना कि ग्रोथ हो रही थी देन फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर दे वर फोर्सिंग आर फार्मर्स टू ग्रो द कमर्शियल क्रॉप सच एज कैच क्रॉप सच एज कॉटन जूट शुगर कैन एंड यू वर इवन हर्ड अबाउट द इंडिगो आप लोगों ने इंडिगो वाला भी किस्सा सुन रखा है कि चंपारण में गांधी जी को उसके लिए सत्याग्रह करना पड़ रहा था बिकॉज ब्रिटिशर्स दे वर फोर्सिंग आर पीजन टू ग्रो द कमर्शियल क्रॉप्स नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जिसमें कि ज्यादातर ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ओइंग डिस्क्रिमिनेटली पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको बहुत ही डिस्क्रिमिनेट uh, किया जा रहा था और देन बी ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री ओइंग द लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ना तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट था तो इनकी जो कंडीशन है वो बहुत खराब होती जा रही in India थी डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट प्रायर टू द ब्रिटिश रूल हैंडीक्राफ्ट इन द इंडियन इंडिया एंजॉय द वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन पहले वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी एक्सीलेंट क्वालिटी थी लेकिन जैसे ही ब्रिटिश राज कॉन्ट्रीब्यूट देर डिके इट वॉज गोइंग टू द डिस्क्रिमिनेटरी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज परस्यूड बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉलोइंग पॉइंट्स में बी नोटेड मीन्स एक डिस्क्रिमिनेशन होने लगा तो इंडियन इंटरनेशनल मार्केट में भी जो है, हैंडीक्राफ्ट थे उसकी वैल्यू कम होती गई नाउन सो दीज आर द पॉइंट यू कैन गो थ्रू इट आप एक बार इसको पढ़ लेना जैसे कि डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज ऑफ द स्टेट uh, डिस्क्रिमिनेटरी मतलब कि भेदभावपूर्ण टैरिफ पॉलिसी लगा दिया जाना जिससे कि हमारे जो हैंडीक्राफ्ट से उनकी वैल्यूज कम हो जाए इंटरनेशनल मार्केट में उनको ज़्यादा ना खरीदा जाए देन डिसपेरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स देन कंपटीशन फ्रॉम दी मशीन मेड प्रोडक्ट्स अब हमारे हाथों से बनी हुई चीज़ों का मशीन मेड कॉम्पिटिशन था तो ऑब्वियसली हमारी जो मशीन सॉरी गुड्स हैं उनकी वैल्यू कम होगी देन न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड डिमांड का पैटर्न बदल गया इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया इंडिया में रेलवे का इंट्रोडक्शन हो गया देन नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल फॉरेन ट्रेड की क्या कंडीशन थी ब्रिटिश रूल के अंडर में तो फर्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड हमारे यहाँ से जितना भी रॉ मटेरियल है उसका हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे यहीं पे उसी फिनिश गुड को आप वापस से इंपोर्ट कर दे रहे हो तो इस तरीके से हमारे जो फॉरेन ट्रेड है उसकी कंडीशन और ख़राब होती जा रही थी देन मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एक्सपोर्ट्स आन इम्पोर्ट ऑफ कंट्री केम अंडर द मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन दिस कॉन्टेस्ट टू ऑब्जर्वेशन आर क्रिटिकल सिग्निफिकेंट मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ इंडियन फॉरन ट्रेड वॉज डायरेक्ट टूवर्ड द ग्रेट ब्रिटेन एंड वाइल एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट जितने भी जो हमारे ट्रेड ट्रांजेक्शन हो रहे थे वो फॉरन ट्रेड जो हो रहे थे वो मेनली ब्रिटिश रूल के साथ या ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ ही हो रहे थे देन सरप्लस ट्रेड बट ओनली द बेनिफिट टू द ब्रिटिश हाँ हमारे यहाँ पे सरप्लस ट्रेड हो रहा था लेकिन बेनिफिट किसको मिल रहा था सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिल रहा था हमारे यहाँ के रॉ मटेरियल को यूज़ करके उसको फिनिश गुड बना के और बहुत अच्छे दामों में इंटरनेशनल मार्केट में उसको सेल किया जा रहा था यूरोपियन मार्केट में सेल किया जा रहा था तो बेनिफिट किसको मिल रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिल रहा था ना कि हमें देन डेमोग्राफिक प्रोफाइल अब डेमोग्राफिक प्रोफाइल कंडीशन द ब्रिटिश रूल एग्जिबिटेटेड ऑल फीचर्स ऑफ स्टैगनेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी इसमें जो हमारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल थी इसमें सारी जो कंडीशन थी वो एक बैकवर्ड इकोनॉमी को ही डिनोट कर रही थी जैसे कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट हमारे यहाँ का बर्थ रेट बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर हाईली नियरली मीन्स फोर्टी एट एंड फोर्टी परसेंट पर थाउजेंड रिस्पेक्टिवली हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट सजेस्ट अ स्टेट ऑफ मैसिव पॉवर्टी इन द कंट्री हमारी कंट्री की कंडीशन जो बता रहा था हाई रेट था दोनों ही बर्थ रेट भी और डेथ रेट भी देन इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट भी बहुत ज्यादा था उस वक्त पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज वेरी लो बहुत ही कम थी देन लिटरेसी रेट वॉज ऑल्सो वेरी लो सो यू कैन वंस गो थ्रू इट आप एक बार पॉइंट समझेंगे आपको पढ़ेंगे उसको आप इजीली उसको समझ पाएंगे ठीक है now i'm moving on to the next point that is occupational structure which will tell you about the primary sector secondary sector and tertiary sector how the people were engaged in that kaise log is engaged mainly most of the people they were engaged in the primary sector 72.7% .7 people they were engaged in primary sector then secondary sector only 10% people were engaged in that and in tertiary sector 17.2% were engaged so एग्रीकल्चर इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्युपेशन इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि एग्रीकल्चर प्रिंसिपल सोर्स था 72.7 परसेंट लोग ऑक्युपाइड थे उसमें लेकिन फिर भी हमारी जो पॉपुलेशन है इतना आउटपुट नहीं दे पा रही थी जी को ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रही थी फॉर इंस्टेंस इन द इंग्लैंड एंड अमेरिका टू परसेंट इन जैपान सेवेंटी सॉरी ट्वेल्व परसेंट एंड जर्मनी फोर परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर सिर्फ और सिर्फ ये माना जाता है कि जहाँ पे बहुत कम परसेंट लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड होंगे वही कंट्री एडवांस हो पाएगी तो जैसे कि अमेरिका में सिर्फ टू परसेंट है जापान में ट्वेल्व परसेंट है और जर्मनी में केवल फोर परसेंट पीपल दे आर डिपेंड अपॉन दी एग्रीकल्चर देन इंडस्ट्री एन इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन ऐसा माना जाता है कि जिस कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन इंडस्ट्रीज़ पर डिपेंड है माइनिंग है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है वही कंट्री ग्रोथ कर पाएगी तो यू एस ए और इंग्लैंड में इंग्लैंड में फोर्टी टू परसेंट है एंड थर्टी नाइन परसेंट इन जापान आर इंगेज इन दिस एक्टिविटी जबकि इन कंट्रीज़ में ज़्यादातर परसेंटेज पीपल इंडस्ट्रीज में इंगेज हैं इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन में इंगेज हैं देन अनबैलेंस्ड ग्रोथ जो ग्रोथ है वो अनबैलेंस्ड है देन नेक्स्ट पॉइंट इज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस देखो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी हाँ इंपैक्ट ऑफ रेलवे इन इंडिया या आप इसको पढ़ लीजिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्श गुड्स की सप्लाई करनी थी या सेल करना था उस परपजस से उन्होंने ज़्यादा रेलवे को डेवलप किया दैट वाज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट ये था कि रेलवे कंट्रीब्यूट टू द कॉलोनियल एक्सपोर्टेशन ऑफ द इंडिया इकोनॉमी अब प्राइमरी गुड्स कुड बी ईजिली ट्रांसपोर्ट फ्रॉम फील्ड एंड फार्म पोर्ट पोर्ट फॉर द परपज ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमी देखो पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये है कि उन्होंने डेवलपमेंट किया हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन को और इम्प्रूव किया कमर्शलाइजेशन को बढ़ाया लेकिन हमारे यहाँ के प्रोडक्ट्स को उन्होंने इजीली फिर एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया वो स्टेशन तक लेके गए और फिर वहाँ से उन्होंने पोर्ट्स तक पहुँचाया इस तरीके से हमारे यहाँ की जो इकॉनॉमी है उसको भी उन्होंने नुकसान पहुँचाया सॉरी सो वॉज वॉज देर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया ब्रिटिश रूल का कोई प्रॉफिट भी हुआ कोई बेनिफिट हुआ तो हाँ हुआ है कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर फार्मर्स का कमर्शियल आउटपुट बढ़ा है देन न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट की न्यू अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी है जैसे कि स्प्रेड ऑफ़ रेलवे और रोडवेज की वजह से देन कंट्रोल ऑफ फैमनीज फैमिली सॉरी कमाइंस मीन्स की जिस तरह की आपदाएं आती थी उस पर कंट्रोल हुआ है रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फैसिलिटी रैपिड मूवमेंट ऑफ फ़ूड ग्रेन्स इन द फैम तो जब हम एक जगह से दूसरी जगह से ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से फूड ग्रेन्स को uh, जब ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो अकाल की जो स्थिति है खाना नहीं मिल पाने की जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल किया जा सका है द नेक्स्ट पॉइंट इज मॉनिट्री सिस्टम ऑफ एक्सचेंज पहले हमारे यहाँ पे बाटर सिस्टम चलता था लेकिन जैसे ही कॉलोनियल रूल आया ब्रिटिश गवर्नमेंट में गवर्नमेंट ने ज्यादातर क्या किया ग्रोथ मॉनिटरी सिस्टम की ग्रोथ पे और एक्सचेंज ऑफ फैसिलिटी डिवीजन ऑफ लेबर इस पे ज़्यादा उसने फोकस किया एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन लार्ज स्केल प्रोडक्शन पर भी ज़्यादा फोकस किया देन लास्ट पॉइंट इज इफ़िशियंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों को काम कैसे करना है उस तरीके से सिखाया काम करना एडमिनिस्ट्रेशन करना तो जब वो हमारी इंडिया को छोड़ के गए तो हमने सेम उसी तरीके से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को कैरी ऑन किया पॉलिसीज को बनाया प्लान्स को बनाया पॉलिटिशियंस ने सेम उसी को फॉलो किया तो इस तरीके से उन्होंने कुछ बेनिफिट्स भी दिए हमको तो उसको हमने आज भी फॉलो किया है सो दिस इज़ द पॉइंट ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ बच्चों वेन द स्कूल वॉज ओपन मैंने ये आपको करवा चुका है ये चैप्टर तो केवल मैंने एक विक दिया है आपको तो आप इसको फिर से एक बार गो थ्रू करो आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजिली थैंक यू सो मच